नमस्कार, ये एनडी टीवी और आप देख रहे हैं एनडी टीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अमृत तिवारी। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है और आज का दिन बेहद खास है क्योंकि आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं, मतदान हुए हैं और अब मतदान के आंकड़े भी हम सब के सामने हैं। तो अब एक ऐसी स्थिति में हम सब है, एक निर्णायक ये वक्त है जहाँ पर कई चीजें जो है जिसकी अटकलें लगाई जा रही है और इसके साथ साथ जब सामने आंकड़े हों तो ये और भी दिलचस्प हो जाते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी भी हैं, सुमित सर हैं, मारिया मैम है, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो आंकड़े हैं मारिया मैम, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा, इन आंकड़ों को कैसे देखती हैं आप, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन है या कुछ स्पार्क अलग सा नजर आ रहा है? कंटिन्यूटी या चेंज, यही बोला जाता है हर चुनाव में। अगर आप देखिए तो मध्य प्रदेश में अभी तक 5 बजे तक का जो नंबर्स आए हैं वो 71.16% है और 2018 में मध्य प्रदेश में था टोटल वोटिंग 75.63%। तो अगर ये लास्ट मिनट पे यूजुअली जो होता है मतदान की जो लाइन होती है वो ज़्यादा होती है और जब तक वोटिंग ख़त्म नहीं होती है तब तक अलाउड रहता है पोलिंग, तो मुझे लगता है ये नंबर 71.6% से ज़रूर 10 से 12% तक भी बढ़ सकता है। तो सुमित, क्या माना जाए कि ये वोट फॉर चेंज है? नहीं, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है, मैं ऐसे स्पेकुलेट नहीं करूंगा मारिया, क्योंकि 2-3 वजह हैं। एक तो मैं ग्राउंड पे नहीं हूँ, मैंने लोगों से बात नहीं की है, अभी भी चीज़ें चली रही हैं, फाइनल फिगर्स आए नहीं हैं। ANI, अब मैं अभी देख रहा हूँ ANI पे इस वक्त मध्य प्रदेश के इलेक्शन कमिश्नर के वर्जन चल रहा है, मेरे ख्याल से हमको उसको लाइव काटना भी चाहिए। कुल मिलाकर अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी हो गया अमृत कि हम किस नतीजे पर पहुँचे, और वैसे भी ये काम तो इलेक्शन पंडितों का है ना, हम तो आप ही की तरह हैं, सवाल पूछते हैं, जवाब देना उनका काम है, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमेशा बता सकती, हाँ बिल्कुल, हमेशा जब भी सेफोलॉजिस्ट भी बहुत डिवाइडेड हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है या कम होता है या 0.1% से ये कम रहता है या बढ़ता है तो कैसे रीड किया जाए। तो ये बोला जाता है कि अगर पहले से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रहा तो इंथुजियाज़म ज़्यादा था, लोगों को चेंज करने की ख्वाहिश थी, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स लाइन में खड़े होकर के उन्होंने अपना वोट दिया, ये एक रीडिंग होती है। लेकिन फिर भी हम वही बोलेंगे, सेफोलॉजिस्ट जो हैं वो डिवाइडेड हैं कि अगर वोटिंग परसेंटेज को किस तरह से पढ़ा जाए। लेकिन एक आपने सही मसले का जिक्र किया, आप जो कह रही हैं उत्साह इस बार ज़्यादा देखने को मिला है, कई इलाके हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, कई ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पर वोटिंग परसेंटेज अच्छी नज़र आई, तो ये आप जो कह रही हैं कहीं ना कहीं लग रहा है कि हाँ इस बार कुछ चीज़ें हैं जो आगे 3 तारीख को पता चलेंगी। हाँ, लेकिन अगर आप छत्तीसगढ़ के चुनाव की बात करें, जब 20 सीटों पे चुनाव हुआ था उस दिन भी हमने काफ़ी उत्साह देखा था, जो हमारे रिपोर्टर्स थे वहाँ पर जो रिपोर्ट कर रहे थे वो ये भी बता रहे थे कि बहुत सारे ऐसे मतदान केंद्र थे जहाँ पर कभी भी वोटिंग नहीं हुई, वहाँ पर पूरा गांव मौजूद था। एक व्यक्ति जिसके बारे में वो बता रहे थे, हमें नाम नहीं याद है, उनका कहना था कि उनकी उम्र लगभग 70 साल की थी और पहली बार उन्होंने मतदान दिया था और बहुत एक्साइटेड थे और शायद वो ज़िंदगी का उनका आखिरी मतदान भी होगा। तो लेकिन अगर ये इस तरह का एक्साइटमेंट रह चुका है वहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो देखा जा चुका है, तो हम ये बोलेंगे कि हम इस नंबर को किस तरह से पढ़े वो मिक्स्ड रिएक्शन है, यू नो, बिकॉज़ सुमित इस पर सेफोलॉजिस्ट आर डिवाइडेड। इसकी बहुत सिंपल सी वजह है रूबिका की, सॉरी मारिया जी, कि पहली बात तो ये कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्यों में दो विपरीत सरकारें हैं। हाँ। एक जगह जो चैलेंजर है, दूसरी जगह वो अपने उसको बचा रहा है, और इन सबके बीच में हमको ये नहीं भूलना चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि दो इस राज्य की मूल तासीर एक ही है, क्योंकि एक ही हिस्से का तोड़ के 200 में बटा है ये आज से 20 साल 22 साल पहले। तो ऐसी स्थिति में अगर जो फॉर्मूला अगर हम कहेंगे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ने से मध्य प्रदेश में अगर सरकार बदल रही है तो वोटिंग परसेंटेज बदलने से छत्तीसगढ़ में बदलनी चाहिए, अगर यहाँ नहीं बदल रही है तो वहाँ नहीं बदलनी चाहिए, तो फॉर्मूला तो एक ही लागू होगा। अच्छा। पर ये फॉर्मूला लागू क्या होगा ये कहना अभी जल्दबाजी है। ठीक है, चेहरे मायने रखते हैं सर, क्या लग रहा है इस बार सीएम फेस की बात करें या चेहरों की बात करें तो कितना फर्क पड़ने वाला है? मैं 100% मानता हूँ इस बात को और मैं कई मंचों पर बोल चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ अमृत, मेरा मानना है कि जो बड़े इश्यूज होते हैं कि महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, नौकरी हो गई, शिक्षा हो गई, आरक्षण हो गया, कास्ट सेंसस हो गया, मंदिर हो गया, ये सब चीज़ें आदमी का सेंटिमेंट तो तय कर सकती हैं, लेकिन जब आदमी वोट डालने जाता है ना तो वो उस वक्त चेहरों को देखकर वोट डालता है कि मेरा नेता कौन है, मेरा विधायक कौन है, मेरा सांसद कौन है, मेरा प्रधानमंत्री कौन है, मेरा मुख्यमंत्री कौन है। वो क्लैरिटी अगर पार्टियां दे देती हैं तो उसका फायदा होता है पार्टियों को, नहीं देती हैं कई बार जैसे इस बार कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, जानबूझ के एम्बिग्यूटी रखी गई है। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तमाम बड़े दिग्गजों को उतार दिया, कौन मुख्यमंत्री होगा, शिवराज सिंह चौहान का आज का बयान सुना आपने, वोट डालने के बाद वो खुद बोल रहे हैं कि पार्टी जो तय करेगी मैं वो करूंगा। शिवराज सिंह चौहान जैसा व्यक्ति जो 18-19 साल से मुख्यमंत्री है वो भी ये कहने की हिम्मत नहीं रख पा रहा है वोटिंग के दिन कि मैं ही
ही मुख्यमंत्री होगा, या जो पार्टी है, मैंने इस पार्टी को आगे बढ़ाया वो एक डिसिप्लिन सिपाही की तरह बात कर रहे थे। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि जब तक चेहरे क्लियर नहीं होंगे तब तक जनता के मन में कन्फ्यूजन रहता है। मैं अभी सुन रहा था अपने किसी सहयोगियों को आपके चैनल पर, उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, ग्राउंड पर थे वो, उन्होंने कहा कि भाई क्यों कोई उत्साह नहीं दिखा इस बार के वोटरों में, इस बार के वोटरों को कोई लहर नहीं दिखाई दे रही है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि तय नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर बीजेपी कह देती कि शिवराज सिंह चौहान होंगे या जो भी नरेंद्र सिंह तोमर होंगे, कैलाश विजयवर्गीय होंगे, प्रहलाद पटेल होंगे, जो भी किसी का नाम तय करती, मुझे ऐसा लगता है उसका अलग फायदा मिलता, कम से कम एक मोमेंटम दिखाई देता। कन्फ्यूजन क्रिएट करने से जो 2018 में कांग्रेस के साथ हुआ कि सिंधिया होंगे कि कमलनाथ होंगे कि दिग्विजय सिंह होंगे कि राहुल सिंह होंगे, तय नहीं कर पा रहे थे। कमलनाथ के नाम पे लड़ा गया चुनाव, लेकिन अंत में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने प्रॉब्लम खड़ी कर दी थी, और एक साल के बाद क्या किया सिंधिया ने हम सब जानते हैं, पार्टी टूट गई, पार्टी खत्म हो गई वहाँ पे एक तरीके से। तो इस परिस्थिति में नुकसान ज़्यादा होता है, खासकर वहाँ पर जहाँ पर आपका काडर मजबूत हो, जहाँ पर पार्टी बड़ी हो। मध्य प्रदेश बीजेपी का सबसे स्ट्रांग पॉइंट है, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, गुजरात से अधिक स्ट्रांग बीजेपी कहीं है जमीन पर तो वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ है, गुजरात भी नहीं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद ये फैक्टर भी बीजेपी के साथ एड ऑन हो गया, तो जरूरी नहीं है कि वो इस तरफ आने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया ऐड करेंगे या फिर, क्योंकि क्योंकि जो ग्वालियर का बेल्ट है जहां पर उनका इन्फ्लुएंस माना जाता है, ये मत भूलिए कि वहां के जो सारे वर्कर्स हैं उन्होंने इनहेरेंटली एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स की है, जो उनके काडर हैं उन्होंने एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स की है। अब नेताजी पार्टी बदल दिए हों तो उनके उसके वजह से अगर लोग भी सारे उधर चले जाएंगे तो कैसे होगा, इसीलिए उसी तरह से बीजेपी का भी यही रिएक्शन। जो बात मारिया बोल रही है ना, मैं इसमें और ऐड कर देता हूँ, अगर मैं चंबल की बात करूँ, ग्वालियर की बात करूँ, जहाँ के सिंधिया नेता हैं, जो बीजेपी की लीडरशिप है वहाँ पे, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा, प्रहलाद सिंह पटेल जो कि पड़ोस के बुंदेलखंड से लगते हैं, ये तमाम लोगों ने जीवन भर सिंधिया परिवार का विरोध किया, ये जीवन भर महल के विरोध रहे, महल के विरोध में नेता खड़े हुए, और आज ये महल का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो उनके साथ आके बैठ गया है, वो उनके साथ खड़े हुए हैं। तो ये जो डिलेमा है वहाँ के काडर में, जो बात मारिया कह रही थी, वो क्यों नहीं होगा वो डिलेमा कि भाई कल तक हम जिसके विरोध में रहे आज हमारे बगल में खड़ा हुआ है, उसके आदमी हमारी पार्टी में आ गए, उसकी वजह से हमारे आदमी को टिकट नहीं मिला, जहां जहां सिंधिया साहब के आदमी उल्टा भी पड़ता, कहीं ना कहीं मुश्किल है। अच्छा, हालांकि आखिर वक्त में जो ऐलान किए गए, जो घोषणाएं की गई, इससे कितना फर्क पड़ता है? मुझे नहीं लगता, समझदार है वोटर बहुत। मैं ये अपने राजस्थान के अनुभव से बोल रहा हूँ, जब मैं रह के आया, इतनी स्कीम्स अनाउंस की गई, वही कई स्कीम रिप्लिकेट की मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने, इन स्कीम्स के जरिए आपके आदमी को वोट मिलेगा, ये मुख्यमंत्री रहते हुए अशोक गहलोत नहीं बोल पा रहे थे। ये मैं राजस्थान का एग्जाम्पल दे रहा हूँ मध्य प्रदेश के लिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप एंड मौके पर चीज़ें अनाउंस करेंगे ना तो जनता को सब समझ में आता है, वो कहता है कि ये चुनाव के लिए कर रहे हैं, कितना लागू करेंगे भगवान जाने। तो सिंसियरिटी ऑफ स्कीम की जो बात की जाए उस पर हमेशा फोकस रहता है। अगर जनता देख रही है कंसिस्टेंसी, आप कंसिस्टेंटली कोई स्कीम अनाउंस कर रहे हैं और उस पर दे आर बेनिफिशरीज ऑल्सो, कि कुछ कुछ स्कीम का उनको लाभ भी मिला है, तो इसीलिए तो बोलते हैं ना लाभार्थी, जो लास्ट माइल डिलीवरी अगर हो गई है तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो डिफरेंट होता है कि इन एंटीसिपेशन के कुछ होगा। बिल्कुल, और कुछ नाराज भी हैं जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिला, तो उनकी नाराजगी कैसे दूर करेंगे, ये एक एक अपडेट है इस वक्त आर्य सर के पास, क्या है अपडेट? अमृत, एक अहम है ये है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, सरकार है, अभी शिवराज सिंह मुख्यमंत्री है वहाँ पे, 5 बजे तक मध्य प्रदेश में 71% वोट पड़े हैं, और 2018 का अगर आंकड़ा देखती है तो 75.63% है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2018 में 76% वोट पड़े थे, 76% वोट पड़े थे, और इस बार 67% अब तक वोट पड़े हैं। इट मीन्स कि यहाँ वोट परसेंटेज अगर बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो 5% 72 तक जाएंगे, तो 2018 के कंपैरिजन में कम होगा, कम होगा, लेकिन मध्य प्रदेश में अलग है, मध्य प्रदेश में वोटिंग परसेंटेज इस बार से यही ना 2018 ज्यादा हो सकता है, लेकिन इसी बात पर सिफोलॉजिस्ट डिवाइडेड हैं कि अगर ये वोटिंग परसेंटेज लगभग 2 या 3% थोड़ा कम रहता है तो क्या ये स्टेटस को है, वही लोग हैं कि जो चल रहा है सही है, या फिर बदलाव का चुनाव है। बात यह है कि यहाँ इसमें भी सिफोलॉजिस्ट डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे हैं, तो मेरा बस ये कहना है कि अगर 71% जो अभी 5 बजे तक हुआ है, अभी 6:39 हो रहा है, तो इलेक्शन कमीशन अपडेट करेगा, लगभग 7:30-8 बजे तक क्लियर पिक्चर आएगा, कल भी क्लियर, हाँ कल क्लियर पिक्चर आएगा, तो ये बिल्कुल ये 75 को क्रॉस करने वाला है। एग्जैक्टली, वही दोनों चीजें, यानी कि दोनों स्टेट में, दोनों राज्यों में ये इंटरेस्टिंग आंकड़े जो है वो कहीं ना कहीं जो 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 सत्ता में है उनके लिए कहीं ना कहीं ये परेशान करने वाली खबर जरूर है, नंबर जरूर है। अब देखना होगा कि 3 दिसंबर को नतीजे जब आते हैं तो क्या होगा,
लेकिन अब चुनाव हो चुका, थोड़ा आकलन हम भी लगा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल, चुनाव हमारा काम है कि आखिर क्या हो सकता है इसमें। एक एक शादाब बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहे थे आप मध्य प्रदेश वोटिंग परसेंटेज को लेकर के। देखिए, जो आमतौर पे आपने सही कहा कि जो सेफोलॉजिस्ट हैं वो इस मामले में लेके डिवाइडेड हैं। अब ये माना जाता है कि अगर ज्यादा वोट पड़ रहा है तो वो सरकार के खिलाफ पड़ रहा है, और कम वोट पड़ रहा है तो इसका मतलब लोग सरकार से सेटिस्फाई हैं। लेकिन ऐसा आमतौर पर होता नहीं। आप देखें तो कहीं ज्यादा वोट पड़ा लेकिन फिर भी सरकार रह गई, और कहीं एंथुसियाज्म से लोगों ने वोट किया कि ये सरकार अच्छी है, हम फिर से आना, हम फिर से वापस लाना चाहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, देखिए, एक सवाल अभी थोड़ी देर पहले ये कर रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि अभी तो हाइपोथेटिकल सवाल है, लेकिन देखिए ये साफ है कि कांग्रेस के खेमे में अगर बात करें तो कमलनाथ को कोई चुनौती नहीं है। आप तो, आपको तो पता है कि वहां नारा लग रहा था कि जय जय कमलनाथ, और दिग्विजय सिंह ने खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर कर लिया। और जो उसके अलावा जो जो और लीडर हैं, चाहे वो जीतू पटवारी हैं, कमलेश्वर पटेल हैं, अजय सिंह, उस तरफ लगभग तय है। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कमलनाथ के दम पर बनेगी, क्योंकि उन्होंने 5 साल जमीन पर रहकर मेहनत की है, पार्टी को खड़ा किया है। लिटरली पार्टी अगर कांग्रेस की वहां पर दिख रही है, जमीन पर दिख रही है, तो वो कमलनाथ की वजह से है, तो ये कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर आप जमीन पर जाइए, लोगों से बातचीत करिए, जो मैं वहां पर इंदौर, भोपाल, रतलाम, उज्जैन की तरफ में जब घूम रही थी, तो जहां पर भी कांग्रेस का नाम लिया जा रहा था तो साथ साथ कमलनाथ का भी नाम लिया जा रहा था। और है कि मुद्दों की बात करना जरूरी है कि क्या मुद्दे छाए रहे। आपने देखा कि जो शिवराज सिंह चौहान है, पूरे मध्य प्रदेश में उनको मामा कहा जाता है, कि और जो लाडली योजना है, एक लाडली बहना लेकर वो आए, एक लाडली लक्ष्मी लेकर आए, उन्होंने कहा कि हर परिवार की बेटी को वो 1,000 देंगे, तो उसके बदले में कमलनाथ ने कहा कि भाई हम 1,500 रुपए देंगे। सिलेंडर को आपने देखा, फिर 3,000 रुपए, फिर 3,000 रुपए हो गया। फिर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिटिया जैसे जैसे बड़ी होगी, जब वो 6th क्लास में जाएगी तो हम 6,000 देंगे, जब वो 9th में जाएगी तो हम उसको 9,000 देंगे, जब ग्रेजुएशन में जाएगी तो 12,000 देंगे। तो आप देखिए कि जो बात अभी कर रहे हैं कमलनाथ ने एनडीटीवी इंडिया से बातचीत की है, वो सुनाते हैं कि ये सारा जो हम लोग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, कमलनाथ साहब क्या कह रहे हैं वो पहले सुन लेते हैं हम। उनका इंटरव्यू अनुराग द्वारी ने किया है। सर, अभी तक आपको क्या क्या रिपोर्ट्स आई हैं पूरे मध्य प्रदेश से? अच्छी रिपोर्ट्स आ रही है। मध्य प्रदेश के मतदाता सच्चाई का साथ देंगे और मध्य प्रदेश का भविष्य सुरक्षित रखेंगे। सर, लाडली बहना का कुछ इंपैक्ट देख रहे हैं शिवराज जी कल से और आज भी लाडली बहनों के साथ? 18 साल तक ये लाडली बहन नहीं थी, चुनाव के 4 महीने पहले ये लाडली बन गई। आप सोचते हैं हमारी बहनें इसको समझ नहीं पाती। सर, अभी आपको जाना होगा, लेकिन कई जगहों से हिंसा की भी खबरें आ रही है, खास करके मुरैना। आपकी कुछ ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई घटना बड़ी घटना नहीं हुई, छोटपुट घटना हो रही है। पुलिस की कार्रवाई बहुत कमजोर है, पुलिस कहीं तो पुलिस बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही है। आपने मुरैना एसपी के बारे में कहा कि वो, मैंने तो खोल के कहा कि वो बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, आपके पार्टी अध्यक्ष ने कहा है कि 150+ सीट आएंगे, आपका कोई आकलन है? मेरा आकलन ये है कि मध्य प्रदेश के मतदाता सही फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।